तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कल्कि धाम की पावन धरा पे मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के, पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस मंच पे परम श्रद्धे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, परम श्रद्धे स्वामी कैलासानंद जी, सदगुरु रुद्रेश्वर जी महाराज और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सशक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज विराजमान हैं। मैं सबको उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के कोने कोने से आए तमाम संत वृंद, कोई हरिद्वार से पधारा है, कोई गुजरात से पधारा है, कोई तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से पधारा है, कोई आसाम से आया है, कोई देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आया है। ये हजारों संतों का जो समूह आज इकट्ठा हुआ है, ये सनातन धर्म के उस उद्घोष के सपने को साकार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। वो सपना जो 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प के रूप में हमने देखा था, वो सपना जो ऋषि मुनि महात्माओं ने, त्यागी तपस्वियों ने आदिकाल से लेकर आज तक देखा कि पुराणों का उद्घोष है कि जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है, सज्जनता पर खतरा उमड़ता है, भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोष है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत, अभित्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजामहम्। भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्घोष है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उल्लेखित है कि जब धरती पर धरा पर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा। इसीलिए संस्कृत का श्लोक श्रीमद् भागवत में, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति, इसका मतलब है कि भगवान त्रेता में राम के रूप में अयोध्या में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में मथुरा में आए और भगवान कलयुग में श्री कल्कि निष्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान जहां आता है वो धरा धाम बन जाती है। अयोध्या में जितना काम भगवान का आपके हाथ से हुआ, ये ऐसा संयोग है जो सनातन धर्म और इस राष्ट्र की इस ध्वजा को पूरे विश्व में फैलाने का काम, फहराने का काम, भारत की संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का संदेश देती है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
ये एक और अद्भुत संयोग है कि भगवान राम के सारे काज आपके कर कमलों द्वारा हुए हैं और आज का ये दिन, ये शुभ घड़ी, जिसे देखने के लिए कितनी ही आंखें जो बंद हो गईं, ये शुभ घड़ी जिसका सपना हमारी कितनी माताओं बहनों ने देखा, और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आज सपना साकार हो रहा है क्योंकि श्री कल्कि धाम की पावन धरती पे आपके चरण पड़े हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वंदन करते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं।